क्या आपको भी कभी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देने को बोला गया और आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा है? आपको बोला गया आपको 10 मिनट 20 मिनट एक घंटे का सेशन लेना है और आपको लगा कि मैं अगर लगातार बोलूंगा तो कोई मुझे नहीं सुनेगा, कोई मुझसे एंगेज नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 7 तरीके जिससे आप अपने ऑनलाइन ऑडियंस को इंगेज रख सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट का प्रेजेंटेशन हो या 5 दिन का। तो लेट्स स्टार्ट। पहला टिप है यूज सम कस्टम वीडियो एंड पिक्चर्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेरी खुद की पिक्चर्स है। कहीं मुझे कुछ अवार्ड मिला था, मैं कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ, ये किसी ने मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा फोटो बना के दिया था। क्या होता है कि जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऑडियंस ने वो सेम पिक्चर्स देख रखी है जो लोगों ने इंटरनेट पे डाली है, जो आपके टेम्पलेट में है। बट जब आप कस्टम इमेजेस यूज करते, फोन पे बहुत सारे फोटोज होती हैं जो कि आप यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन क्या आप डिस्कस करने वाले। जब आप इस तरह के कस्टम फोटोज यूज करते हो तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन हो जाता है और लोग इंगेज होते हैं। उसके अलावा कुछ और वेबसाइट्स भी हैं जहां पे आप जाके फ्री में कॉपीराइट फ्री इमेजेस ले सकते हैं। कॉपीराइट इज समथिंग दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। तो ये कुछ वेबसाइट है जैसे pictures.com, unsplash.com, pixabay.com। इस तरह की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे फ्री कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाते हैं जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस की वेबसाइट चाहिए होंगी प्लीज कमेंट में लिखिएगा एंड आई विल सेंड यू द लिस्ट। सेकेंड जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रेलेवेंट भी है एंड दैट इज कॉल्ड पर्सनल स्टोरी। नाउ बहुत बार जब मैं सेशन लेता हूँ आई ब्रिंग अप दिस पर्सनल स्टोरी, इधर मैं खुद ये स्टोरी बताता हूँ और आई ब्रिंग अप अ वीडियो, सो यू कैन सी दिस इज वन ऑफ दोस वीडियोस दैट आई शेयर। गुड मॉर्निंग लीडर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट 11, इट इज जुलाई 3rd 2019 अबाउट 10:45 AM EST और 9:45 AM CST। आई एम एट शिकागो एयरपोर्ट टर्मिनल 5 वेटिंग फॉर माई फ्लाइट टू इंडिया एट नून। Last 1.5 weeks has been crazy for me to say the least. I've gone through a lot, but I still firmly believe that probably God has a bigger plan for me. So I'm going to stop here. So basically, जब आप personal story बता दें, जैसे कि किसी विद्वान ने कहा, storytelling is the most powerful way to put ideas into the world today. अगर आप storytelling करते हैं अपने session में, your audience will be super engaged. Let's move on to the third one that is called case studies या breakout room. Now अगर आपको पता नहीं तो Zoom में एक feature होता है breakout room का जिससे आप randomly create कर सकते हैं कि मुझे दो दो लोगों के breakout room चाहिए या पांच पांच लोगों का breakout room चाहिए और यहाँ पे आप कर सकते हैं case study. बहुत बार जब मैं session ले रहा होता हूँ what I do is I create 3-4 breakout room. I give them some case study to work upon and वहाँ पे कोई एक leader बनता है and he will jot down all the points and जब वो वापस आते हैं room में तो they will discuss their points and then others will also brainstorm. No, ये क्या activity ऐसी होती है जिससे पूरा आपका audience super engaged हो जाता है. तो this is one of the best ways to keep your audience engaged for a longer duration. ये आप activity आराम से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक का भी कर सकते हैं बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू हैव योर केस स्टडीज रेडी फॉर पीपल टू वर्क अपॉन। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन विच इज वन ऑफ माई फेवरेट दैट इज कॉल्ड फन इंगेजिंग गेम्स। यहाँ पे मैं कुछ वेबसाइट का नाम लिखा हूँ और उसके अलावा भी हैं, अगर आपको लिंक चाहिए प्लीज राइट इट इन द कॉमेंट्स। बट कुछ ऐसे वेबसाइट हैं जैसे mentimeter.com है, kahoot.it है, स्लाइडो है, WooClap है और बहुत सारे स्केच पैड हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप ऑनलाइन गेम प्रिपेयर कर लो, ऑनलाइन यू नो वर्क आउट कर लो और जब आपकी ऑडियंस आपके साथ इंगेज होती है, आपके साथ आपने बोला कि व्हाट इज द वन वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, आप लोगों ने डाल दिया, किसी ने फियर डाल दिया, किसी ने एक्साइटमेंट डाल दिया, किसी ने कुछ और डाल दिया, ना जितने लोग उसको डालते रहेंगे एक वर्ड को वो वर्ड बड़ा होता जाएगा एंड बाकी सारे वर्ड छोटे रहेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्ड क्लाउड। Now that is one of the most engaging. You can also have some contest. जब आप इस तरीके की fun engaging activities करते हैं, it's like no, the best way to learn is to have fun. Let's talk about fifth, which is somewhat related, but चौथे से related ही है, but this is called polls. मैं एक experiment करता हूँ in my storytelling, जहाँ पे मैं I give 3 scenarios, एक data, एक graph और एक मैं story बताता हूँ और उसके बाद मैं पोल लॉन्च करता हूँ जूम पे एंड पीपल आंसर इट, पीपल सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन एंड देन आई शो इट
चेरिट लाइफ एंड द पर्पज ऑफ देम इज दैट हम जो है स्टोरी से ज्यादा कनेक्ट करते हैं वर्सेस डेटा या ग्राफ या थिंग्स लाइक दैट. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड चैट. ओह माय गॉड, आपने चैट यूज किया है कि नहीं यूज किया है? तो जो छठा होता है ऑप्शन चैट, चैट इज वेरी वेरी पावरफुल क्योंकि चैट में आप ऑप्शन दे सकते हैं लोगों को हैंड रेज करने का, लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहां पे लोग रिप्लाई करें, लोगों से पूछ सकते हैं डू यू अग्री, यस नो, और ऐसे बहुत सारे हैं छोटे छोटे आप सर्वेस कर सकते हैं, उन लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालने को कर सकते हैं. लोगों से कहते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस डालिए, या कोई क्वेश्चन किसी ऑडियंस से पूछ लिया तो लोगों को बोले कि आप चैट में डालिए आपको क्या लगता है. जब आप इस तरीके की चीजें करते हैं तो आपका चैट एक बहुत ही अच्छा मीडियम बन सकता है अगर आप उसको प्रॉपरली यूज करें फॉर योर ऑडियंस एंगेजमेंट. और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू मेरा सातवां और फाइनल टिप जो आप डेफिनेटली यूज, एंड दैट इज कॉल्ड हैविंग ह्यूमर. बहुत ही फनी फोटो है. आई वॉज इन यूएस, मैं यूएस में कुछ साल पहले था और वहां पे मैं एक बार वॉशरूम में गया और वहां पे एक स्टैंडर्ड फोटो था, बट उसमें अगर आप देखो ध्यान से तो दिस वॉज अबाउट कि सबको हैंड वॉश करना चाहिए, बट किसी ने छोटे से ब्लैक पेन से लिख दिया था योर पेरेंट्स शुड हैव टॉट यू. मतलब कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता होना चाहिए, विच आई फाउंड वेरी फनी. मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि वो बहुत सारे सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक्स, अपना मजाक खुद उड़ाना जिसको कहते हैं ना, जब आप अपना मजाक खुद उड़ाते हैं तो लोग आप पर नहीं आपके साथ हंसते हैं. तो नेवर एवर अपने ऑडियंस का कभी मजाक मत उड़ाइए, बट आप खुद का मजाक उड़ाइए या फिर आप ऐसे टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ाइए, ऐसे कुछ इंगेजिंग पिक्चर्स लेके आइए. डिलबर्ट, अगर आप जानते हो डिलबर्ट की वेबसाइट पे बहुत सारे फनी कार्टून्स होते हैं, यूज दैट, दैट विल हेल्प यू कीप योर ऑडियंस. क्योंकि जब ऑडियंस बहुत लंबे समय तक आप सेशन ले रहे हैं और वो बहुत ही मोनोटोनस हो रहा है, कोई फन नहीं हो रहा है, कोई ह्यूमर नहीं हो रहा है, योर ऑडियंस एंगेजमेंट विल गो डाउन द ड्रेन. अगर आपको सुपर एंगेज ऑडियंस चाहिए तो यू हैव टू कीप देम एंगेज. जैसे हर 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता रहना चाहिए, कुछ ना कुछ एंगेजिंग होता रहना चाहिए. आई होप आपको ये सारे टिप्स बहुत अच्छे लगे, और कौन सा टिप आपको सबसे अच्छा लगा प्लीज चैट में लिख के बताइएगा. और एज ऑलवेज अंटिल नेक्स्ट टाइम, एज आई ऑलवेज से, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आई होप आपको मजा आ रहा हो इस टाइप के कंटेंट में, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा किस टाइप का कंटेंट आपको और चाहिए. चलिए अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड.